आज हम आपके पास आए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलीगन, पॉलीगन यानी बहुभुज, उसको लेकर के आए हैं। और इससे संबंधित प्रश्न आपको रेलवे की परीक्षाओं में, एसएससी के परीक्षाओं में, बैंक के परीक्षाओं में ये बहुतायत पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न को आप आसानी से कैसे सॉल्व करें ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। आपको ये मैं बताऊं कि इसमें जो प्रश्न पूछे, आप सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि पॉलीगन कहते किसको है। तो हमने लिख दिया है तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा समतल, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा समतल या बंद चित्र जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। और यह टू डायमेंशनल होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, मोटाई नहीं होता। यानी यह जैसे अगर आपको पूछा जाता है कि कोई घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन क्या बहुभुज है, तो नहीं, ये बहुभुज नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर बहुभुज की बात करेगा तो वह त्रिभुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है। चतुर्भुज में अगर आपको रेक्टेंगल की बात करें कि भाई आयत है कि क्या है, बहुभुज है या नहीं है, तो ये दस भुजाओं वाला कोई चित्र होगा वो हो सकता है। तो इसमें आपको अक्सर पूछा जाता है कि इसके सभी कोणों का योग क्या होगा, इसमें कोणों की संख्या क्या होगी, इसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, इस जो ये जो आपको चित्र दिया हुआ है इस चित्र में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, इस बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम आपको अभी आपको कुछ ट्रिक और साथ में उसका कुछ एग्जांपल बताने जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल को लिखते हैं। चलिए हम एक चीज लेते हैं, कह रहा है कि अंतः कोणों का योग। अभी किसी भी जो आपका पॉलीगन है, पॉलीगन में दो तरह का एंगल होता है, एक तो अंतः कोण और दूसरा बाह्य कोण। जैसे ये एक पॉलीगन लेते हैं, ये क्या है, खटभुज है, छह भुजा वालों, तो ये एक कोण है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है, चौथा कोण ये है, पांचवा कोण ये है और छठा कोण ये है। एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतनी ही संख्या उसके कोणों की होगी। तो आपको अगर कहता है कि अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो अंतः कोणों का योग बराबर होगा n माइनस टू इंटू 180। ये ध्यान रखना है, n माइनस टू इंटू 180, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या। सपोज कीजिए कि ये जो आपको दिया हुआ है छह भुजाओं वाला एक पॉलीगन दिया हुआ है और इसके अंतः कोणों का योग निकालना है, तो यहां क्या हो जाएगा, छह माइनस दो यानी चार गुने 180, यानी इसका क्या हो जाएगा, 720 डिग्री इसके सभी कोणों का योग हो जाएगा। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि इसके सभी कोणों का योग 720 डिग्री, किसी खटभुज के सभी कोणों का योग 720 डिग्री है, तो उसके एक कोण का माप बताइए। तो आप इसको क्या करना, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, इसी को कर देंगे क्या, डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n। अगर प्रत्येक कोण पूछा जाएगा कि प्रत्येक कोण कितना है, प्रत्येक कोण कितना है, तो बस फॉर्मूला यही रहेगा, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, प्रत्येक कोण। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज का, ठीक है, बहुभुज का बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये एकदम फिक्स है, चाहे वो बहुभुज छह भुजाओं वाला हो, तीन भुजाओं वाला हो, सात भुजाओं वाला हो, आठ भुजाओं वाला हो, दस भुजाओं वाला हो, कितना भी भुजाओं, 50 भुजाओं वाला हो, उसका बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये क्या है, ये क्या है, आपका त्रिभुज है, कैसे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी यहां देखिए कि n माइनस टू, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, तीन, तो तीन माइनस टू यहां पर हम करते हैं, तीन माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, वन इंटू 180 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आ गया ना, n माइनस टू इंटू 180 बराबर 180 डिग्री। आपको एक और बात मैं बताता हूं कि बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री कैसे होता है। आपको मैं बताऊं कि प्रत्येक बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है।
जैसे इसका यहां पर आप देखिए, ये एक इसका अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण है। ये तीनों कोणों का योग आपको पता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि यह जो है सो त्रिभुज है जिसके तीनों कोण अलग अलग 60-60 डिग्री है, ये 60-60 डिग्री है। तो अब इसका वाह कोण क्या होगा, देखिए इसका वाह कोण क्या हो जाएगा, ये आपको पता है कि अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अभी इसका देखिए, इसका वाह कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यह 60 है तो इसका क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। इसका वाह कोण क्या होगा, अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अभी 120, 120 और 120 तो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। कोई भी किसी भी बहुभुज को आप ले लीजिए, बहुभुज के वाह कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो चलिए हम अगला टॉपिक लेते हैं इसी में। चलिए अभी हम आपको एक अगला इसमें प्रश्न पूछा जाता है, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या बराबर होता है एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। देखिए यदि आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में विकर्णों की संख्या क्या होगी, एक तो ये हो जाएगी और दूसरा ये हो जाएगी। तो आपको तो ये स्क्वायर था यानी चार भुजा वाला बहुभुज था, तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि दो है। लेकिन अगर छह भुजाओं वाला हो, आठ भुजाओं वाला हो, दस भुजाओं वाला हो, तो उसका विकर्ण कैसे पता करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। हम इसको इस पे बैठा के देखते हैं, भुजाओं की संख्या कितनी है, चार, और एन माइनस थ्री क्या हो जाएगा, चार माइनस तीन बराबर वन बटे टू। इसको इसको काट देंगे तो दो, आपको पता चल गया क्या कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो दो हो जाएगी। अगर कोई बहुभुज जो छह भुजा वाला है, कोई पॉलीगन जो छह भुजा वाला है, तो उसका कैसे निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे, छ इंटू छ माइनस तीन यानी क्या हो जाएगा, तीन बटे दो, दो से ये कट जाएगा तीन, यानी इसमें क्या हो जाएगा, तीन तीन नौ, समझ रहे हैं। अगर कोई बहुभुज जो दस भुजा वाला है, दस भुजा वाला है, उसमें विकर्ण की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, दस इंटू, इसको एक बार आपको करके दिखाते हैं, दस इंटू दस माइनस तीन बाई टू, तो क्या हो जाएगा, दस गुने सात बटे दो, दो से ये हो जाएगा पांच, यानी इसमें विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, पैंतीस हो जाएगी। तो ये बहुत आसान है, अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाता है तो एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, तो आप इसके विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। हम कुछ फार्मूला जो अभी आपको पीछे हम बताए हैं उसको हम यहाँ साइड में लिखते जा रहे हैं। पहला क्या हमने लिखा, अंतःकोणों का योग एन माइनस टू इंटू 180। वाह कोण तथा अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और वाह कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जितने भी वाह कोण है उस सबका योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब हम आपको इससे रिलेटेड जो है प्रश्न वो लाएंगे यहां पर और उसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि आपको पूछा जाता है कि प्रत्येक वाह कोण यदि x डिग्री हो, प्रत्येक वाह कोण यहां पर इस फार्मूला पे वाह कोण हो, प्रत्येक वाह कोण यदि x डिग्री हो तो उसका भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो अगर मान लीजिए तो वहां पर क्या हो जाएगा, 360 बटे x, x का मान अगर आपको दिया हुआ है 60, तो क्या हो जाएगा, 60 से यह 6 मरतबे कट जाएगा, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी 6, या अगर कोणों की संख्या पूछेगा तो भी हो जाएगा 6। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आराम से इसको हम देखते हैं। चलिए हमने तीन एग्जाम्पल लिया है। पहला सवाल है कि पांच भुजाओं वाले सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें। सम बहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो पांच भुजाओं वाले सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें। हमने आपको बताया था कि आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। यहां हमने लिखा है अंतः कोणों का योग क्या होगा, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अभी एन इसका क्या है, पांच है, तो क्या होगा, पांच माइनस सॉरी क्या हम लिखेंगे यहां पर, पांच माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, तीन गुने 180 डिग्री यानी 540 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा सी। समझ गए, आसान है। आपको केवल ये याद होना चाहिए कि पांच भुजाओं वाले मतलब आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है। हमने इतना कैलकुलेशन किया है, आप चाहे तो बगैर कैलकुलेशन इसको आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि n माइनस टू इंटू 180, तो पांच में से आप दो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीन, और तीन गुने 180 यानी 18 + 54 540 डिग्री, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि 12 भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा।
अभी आप जो आपको ये फॉर्मूला बताया गया है n माइनस टू इंटू 180, ये क्या है? अंतः कोणों का योग है, और अगर हम उसको भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको निकल जाएगा कि प्रत्येक कोण का मान कितना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एन माइनस टू तो 12 में से दो गया तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 180, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या, भुजाओं की संख्या, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 15 है 180 होता है, यानी प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये। अगला सवाल है, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आप सोचिए, जब आपको प्रत्येक आंतरिक कोण बताया हुआ 108 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। हमने आपको बताया था कि किसी भी जो बहुभुज है उस बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और साथ साथ हमने ये भी आपको बताया था कि बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर अंतः कोण 108 डिग्री है, अंतः कोण क्या है, 108 डिग्री है, तो 180 माइनस 108 बराबर क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। ये 72 डिग्री क्या हो जाएगा, वाह कोण का माप हो जाएगा, वाह कोण का माप हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि वाह कोण का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर हम 360 डिग्री सभी वाह कोण का योग होता है से एक कोण को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 72, तो क्या हो जाएगा, इसके भुजाओं की संख्या या कोण की संख्या निकल जाएगी। तो इसको काटेंगे तो 72 पंचे क्या हो जाएगा, 360, 72 पंचे 360, अर्थात इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, समझ गए। चलिए अगला कुछ एग्जाम्पल, हम जो ये प्रश्न लिए हैं कि किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। हमने इसके लिए आपको फार्मूला बताया था कि आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है n माइनस टू इंटू 180। देखिए इसको एकदम से मेमोराइज कर लेना है, अंतः कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस टू इंटू 180। तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा, सभी आंतरिक कोणों का योग क्या है, 1260 डिग्री है, यानी आप कह सकते हैं कि n माइनस टू इंटू 180 बराबर क्या हो जाएगा, 1260 डिग्री हो जाएगा। अब आपको यह पता है कि बराबर के आजू बाजू जो रहेगा, बराबर के बाद जो रहेगा वो अगर कटने वाला है तो हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो 180 से ये 0 कट गया, और 18 से 18 सत्ते 126, ठीक है। तो n माइनस टू बराबर 7, n माइनस टू बराबर 7, तो n का मान क्या हो जाएगा, ये 2 इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n का मान क्या हो जाएगा, 9। यानी वह बहुभुज जो था जिसके आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री था, उसके भुजाओं की संख्या कितनी थी, 9 थी, और अगर उसमें कोणों की संख्या पूछेगा तो वो भी 9 होगी, चूंकि जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतने ही कोणों की संख्या भी होगी। अब कह रहा है कि एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप बताएं। अब ध्यान रखना है कि ये क्या है, पंचभुज है। तो हमने जो आपको बताया है एन माइनस टू इंटू 180, ये क्या है, आंतरिक कोणों का योग है। अगर उसमें हम भुजाओं की संख्या से या कोणों की संख्या से अगर हम उसको भाग दे दें तो एक कोण का मान निकल जाएगा, उसी को कहेंगे प्रत्येक कोण का मान। तो आप क्या करेंगे, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई एन। तो यहां आपको पता है ये पंचभुज है, तो 5 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 6 30, तो क्या हो गया, 36। अब 36 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 दिया 108, यानी 108 डिग्री है, आसान। अब कह रहा है एक साधारण अष्टकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा। अब ये अष्टकोण है, नाम से ही स्पष्ट है अष्टकोण है, मतलब 8 भुजाओं वाला या 8 कोणों वाला ऑक्टोगन है। तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, सेम ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, अष्टकोण है तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा, 6 इंटू 180, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, अष्टकोण है यानी 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा द्वितीय 6 और 2 चौक 8, 4 से इसको काट देते हैं तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ये हो गया 45, और ये हो गया क्या, 3, तो 45 दिया कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। यानी इसके प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा, अगर कोई अष्टकोण है तो उसका प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, 135 डिग्री होगा। चलिए अगला लेते हैं, चलिए
कह रहा है कि एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब मैं आपको बताया था कि बाह्यकोण का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर एक बाह्यकोण का माप 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आप ये बताइए कि अगर 360 डिग्री इसके सभी बाह्यकोणों का योग है और एक बाह्यकोण का माप क्या है, 45 डिग्री है, तो आप इसको 360 को आप 45 से डिवाइड कर दें, यानी 45 9 चौक 36, यानी ये 8 से कटेगा, यानी इसमें कोण भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। या कोणों की संख्या भी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। अगला है क्या कि एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण 60 डिग्री है, बस। तो भुजाओं या कोणों की संख्या ज्ञात करें, हमने क्या बताया कि जितने कोणों की संख्या होगी उतने ही क्या होगी, भुजाओं की संख्या होगी। तो यहां क्या है, अब बाह्यकोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, और एक बाह्यकोण का माप कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, यानी इसमें क्या हो जाएगा कि प्रत्येक कोणों की संख्या या प्रत्येक भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी, इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी या कोणों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 6। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब आपको एक बताए थे कि आपको बहुभुज के में विकर्णों की संख्या निकालना, तो हमने यहाँ प्रश्न है कि 19 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। हमने आपको बताया था कि विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो क्या हो जाएगा विकर्णों की संख्या। हमने कुछ शॉर्टकट में लिखा है कि अगर 19 भुजा वाले बहुभुज है तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, 24 भुजा वाला है, 28 भुजा वाला है, तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, हम इसी फार्मूला पर इसको बैठाएंगे। एन का मान यहाँ पर क्या है, 19। फॉर्मूला क्या है एक बार और देखिए, एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 19 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय टू, क्या हो जाएगा यहां पर 8। अब 19 अट्ठे कितना होता है, आपको पता है 19 अट्ठे कितना होता है, 152। तो 19 अट्ठे 152, यानी इसमें विकर्णों की संख्या आप कितना हो जाएगा, 152। आप अगर 24 भुजा वाला है तो आप वही बात करेंगे, क्या करेंगे, लिखें 24 इंटू क्या, 24 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 गुने 21, 12 का 12, 12 दूनी 24 एक 25, यानी कितना हो जाएगा 252। अगर 28 भुजा वाला है तो बस वही काम करेंगे, क्या करेंगे 28 इंटू 28 माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी 25 चौका 100 और 25 एक 25 अदस 35, यानी 350। आप देखिए इसको बहुत ही आसानी से, आपको मूल चीज है यही याद रखना है, अंतः कोणों का योग n माइनस 2 इंटू 180, बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, बाह्य कोण के योग सभी किसी भी बहुभुज के वाह कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, और विकर्णों की संख्या क्या होती है, n इंटू एन माइनस 3 बाई टू। ठीक है, एक इसमें और सवाल होता है जिसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, वो हम आपको एग्जांपल में बताते हैं। चलिए पूछ रहा है यदि विकर्णों की, अभी तक आपने क्या देखा है कि विकर्ण की संख्या निकालनी होती थी, यहां कह रहा है यदि विकर्णों की संख्या 35 हो तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। हमने इसका एक फार्मूला क्या बताया था आपको, एन इंटू एन माइनस थ्री, एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विकर्णों की संख्या। अभी विकर्णों की संख्या दी हुई है क्या है, 35 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 35। तो आपको क्या आ गया, एन इंटू एन माइनस थ्री, ये 2 से 35 को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70, ये 70 यहां तक हम कर देंगे, और इसके बाद हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे। अभी पहला ऑप्शन रखते हैं, 10 इंटू 10 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 7, तो यहां 10 गुने 7 बराबर 70, यानी आपका पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए यहां पर आपको ऑप्शन से बनाना होगा, वैसे जनरल मेथड से इसको बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें लंबा टाइम लगेगा, तो आप इसको ऑप्शन से बना ले, बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। देखिए आपको पॉलीगन में इतने ही टाइप के लगभग सवाल पूछे जाते हैं, और अगर कुछ हो भी तो आप इसको, इस आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इसको आप बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आप एक दो बार देख लें
और इसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा और तब आप इसको बहुत ही आसानी से, इसमें मूल चीज यही है कि आपको ये जो चार फार्मूला हमने बताया है, अंतः कोण का योग, बाह्य कोण और अंतः कोण का योग, बाह्य कोण का योग और विकर्णों की संख्या, ये फार्मूला आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के बीच जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों उनके बीच, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और अगर मन में किसी और बात चल रही हो, कोई प्रश्न पूछना हो, किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपके सामने रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।